मेवात में एक छत्र राज जो यहाँ पर जय श्री राम के नाम से होगा, उसमें मेवात में अपराधों का कंट्रोल होगा। और बाबा ने जैसा कहा, नहीं मानेंगे अपराधी तो यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। इस नाते से रामगढ़ को आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। राजस्थान में मैं लगातार विधायक रहा और उन लोगों को मात देता रहा। इस बार एक बागी उम्मीदवार हमारा साथी, हमारा मित्र, उनके बारे में मुझे बहुत एहसान है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं गोस्वामी तुलसीदास का शिष्य हूँ। मेरा दो बार विधायक रहते हुए टिकट कटवाया, कैसे ले दे के करवाया चिकनबाजी से वो जाने, लेकिन इस बार ना वो विधायक थे ना सांसद थे। टिकट कटा, टिकट से पहले कहते रहे कि जिसको टिकट मिलेगा हम साथ देंगे, लेकिन अब गद्दारी करके बागी विधायक बन के खड़े हुए हैं। और श्री जुबेर खान जी जो लगातार मेरे से पराजित होते रहे, उनको हम निश्चित पराजित करेंगे। संपूर्ण राष्ट्रभक्त जनता, राम भक्त जनता, हमारी देवनारायण भक्त जनता, कृष्ण भक्त जनता, गुरु नानक देव और भगवान गुरु गोविंद सिंह जी के भक्त जनता, ये जनता निश्चित रूप से उन अपराधियों को, देश विरोधियों को हराएगी, ये मेरा विश्वास है। आप सबका साथ है, मीडिया को विशेष धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। एक सवाल और लूँगा। अभी कुछ कांग्रेसी नेता ये बात करते थे कि अपने मंदिर के पुजारियों को अलर्ट कर दो कि भाजपा वाले मंदिर तोड़वा सकते हैं, माहौल बिगाड़ सकते हैं, क्या ऐसा डर क्यों बना हुआ है? जो खुद चोर होता है वो दूसरों को भी चोर समझता है। मंदिर को उन्होंने तोड़वाया, इनके राष्ट्रीय वर्तमान अध्यक्ष कार्यकारी जो थी श्रीमती सोनिया गांधी, उनका मेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट है कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर, राम का जन्म वहाँ हुआ ही नहीं। राम सेतु के बारे में उन्होंने एफिडेविट दिया, और दुष्ट वकील दो श्री कपिल सिब्बल और श्री अभिषेक मनु सिंह भी, दोनों कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के लोग वर्षों तक नहीं, 100-200 साल तक जब से पार्टी बनी है तब से राम का अस्तित्व नहीं मानते थे। अब बनावटी बात कर रहे हैं, सनातनी बन करके कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं और नर्मदा की पूजा कर रहे हैं श्रीमती प्रियंका गांधी। जैसे अन्ना कश्यप की बहन होलिका, जैसे रावण की बहन सुपर्णखा, कंस की बहन पूतना, ऐसी श्रीमान राहुल गांधी की बहन श्रीमती प्रियंका गांधी, जो कुछ बोलूंगी झूठ बोलूंगी, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। हमेशा राक्षसी व्यक्ति के लोगों का, सनातनियों का एक बहन होती है जो ऊपर चढ़ाती है। सनातन धर्म, हम सनातन धर्मी हैं। 4 महीने पहले सनातन धर्म को विरोध का एक सम्मेलन हुआ, चंगेज खान आगे चले गए, तैमूलंग आगे चले गए, बाबर आया, अकबर आया, गुलाम वंश आया, गौरी वंश आया, गजनवी वंश आया, सैयद वंश आया, मुगल वंश आया और तुगलक वंश आया, लेकिन सनातन धर्म न खत्म हुआ न होगा। नित्य नूतन चिरातन पुरातन सनातन सत्य है, हम लोग सनातन है। पुनः भारत में जय श्री राम बुलवाएंगे और होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन मना करके मूल सनातनी को फिर से जगाएंगे। और भारत के जो टुकड़े हुए हैं, आम आदमी को पता है कि 8 टुकड़े हुए हैं, ब्रह्मा, श्याम, लंका, मालदीव, नेपाल, सिक्किम और बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि, भारत में रियल में 24 टुकड़े हुए हैं। माननीय मोदी जी वो करने जा रहे हैं, भारत को अखंड करने जा रहे हैं। 370 खत्म किया है, 3 तलाक खत्म किया है और आगे 2 बच्चों का कानून भी बनेगा, साथ में भारत को अखंड करेंगे। अखंडता की ओर, सनातन धर्म की ओर बढ़ता हुआ भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अभी मैं जया उजा जी से बात कर रहा था तो मैं उनसे कह रहा था आपकी शैली भी वैसी है, इस क्षेत्र में क्यों आक्रामक बोलना पड़ता है, तो उन्होंने कहा हमारे DNA में। DNA है ये? इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं एक ही बात कहता हूँ, भारत माता की जय। भारत माता की जय, जो नहीं बोले उसको लठ दे।